Hey guys, this is me and you are watching my channel named Girl Reaction Channel. See, welcome back with my new brand reaction video. So, आज का वीडियो आपने थंबनेल से देखा जी, डकीज और अरूब, अरीब और इकरात एक ही वीडियो में मर्ज किया है. तो इस वीडियो को आप देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वीडियो को देख के एक ही ग्रुप वीडियो में मतलब डिफरेंट किस्म का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका जो व्लॉग है बहुत ही मज़े का लगेगा आपको. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करना क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो की और नेक्स्ट अपडेट आपको आसानी से मिले. सो लेट्स चेक इट आउट, गो. यार रेडी होके वो जा रहे हैं यार, क्या अमेजिंग सीन हो गया जाने. ओह माय गॉड, अरूब तो गई और इकरा भी गई. ओ गया यार, कमाल का अमेजिंग सीन था यार. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. Astrology. This is me, Igra. Very beautiful day. आप सोच रहे होंगे कि आज एक beautiful day, beautiful लड़की कैसे बन गई यार. नहीं, मैंने या black look में अच्छी लग रही है. जा रहे हैं अपने लाइफ का सबसे एडवेंचरस काम करने. आप सोच रहे होंगे इतना कौन सा एडवेंचरस काम है. मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं कूदने वाली हूँ ऊंचाई से जमीन पे. आई एम वेरी एक्साइटेड इस एडवेंचर के लिए. आई एम रेडी. जिनका बड़ा दिल होता है वही कर सकते हैं. इट शुड बी लाइक ट्राउजर शर्ट और समथिंग टाइड हियर एंड ये वो. तो मैंने उसके हिसाब से ना ये वाली लुक जनरेट की. अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, हंस रहे होंगे. सो यार आज जो है वो बहुत ही क्रेजी किस्म का दिन है. वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फॉर स्काई डाइविंग, यानी कि हम लोग लिटरली प्लेन से जंप करने वाले हैं. अभी फिलहाल मैं होटल की लॉबी में हूँ. साथ अपना इंट्रो कर रहा है तो मैं कहीं पे भी इंट्रो नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा मैं लॉबी में आ जाती हूँ. बट एनीवेज गाइस, अभी हम तैयार होकर सीधा नीचे चलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और सीधा लोकेशन पे चलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गई. वेलकम बैक, मेरा रिएक्शन वीडियो. भाई आज जो है ना अब मुझे नहीं पता कि इसको बेवकूफी कहें या एडवेंचर कहें. आज ये मुझसे एडवेंचर आखिरी वीडियो हो. हाँ, हमारी आखिरी वीडियो भी हो सकती है. नो रैम करे भाई, आज जो है हम लोग मारने वाले हैं जहाज से छलांग. एनी मजाक नहीं कर रहा, एनी जीटीए नहीं खेलने लगी है. रियल लाइफ के अंदर प्लेन से हम लोग जंप मार के स्काई डाइव करने वाले हैं. बीच रास्ते में पैराशूट खोलेंगे. भाई सब्सक्राइब करना बनता है यार, सिर्फ लोगों के लिए जो है ना. मैं स्काई डाइव लेवल की वीडियो निकलेगी, सब्सक्राइब करो यार और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना. ये देखें जी, ये सारे जी ये लॉबी में खड़े हुए सारे हजरात सोलोजी के व्लॉग में. अल्लाह रहम करे. अरे कैसी बातें कर रहे हो यार. सभी लोग ऐसा की सोच रहे हैं. गाइस ये मैडम तैयार हो गई हैं. कभी नहीं तो कभी नहीं. अगर देखो क्लास रुकना हुआ जो कभी नहीं. फाइनली गाइस हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं. अब नहीं डर रही हूं बिल्कुल भी. पागल, मैं तो सोच भी नहीं रही हूं. मैं सोच रही हूं आइलैंड जा रहे हैं. जो आइलैंड जा रहे हैं क्या वो आपको नीचे फेंकेगा. बस और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करने वाले. हमारे साथ जा रहे हैं स्काई डाइविंग पे. इसके बगैर मैंने जाना था ताकि मैं मरूं तो ये भी मरे. अल्लाह ताला बस हमें जो है खैर खैरियत से वापस पहुंचाए. आपकी दुआएं अभी कोई काम नहीं आएंगी क्योंकि आप देख पा रहे हैं. मैंने इसलिए अपनी दुआ करते हैं ऑनवर्ड आपके लिए. दुआ करें इस लड़के का. डर है इस लड़के का, जल्दी क्रैश ना हो जाए. वो 2 लाख रुपए उसको कहेंगे फिर वापस करे 50,000 बार. सर अल्लाह रहम करे अगर मेरा पैराशूट ना खुला. स्काई डाइविंग की 2 लाख होते हैं और उसके बाद जो आपकी अच्छा। वीडियो बनाने के लिए जो बंदा कूद रहा होता है ना उसके पास भी पैराशूट होता है. वो अगर उसके okay. दोनों पैराशूट फेल हो जाए वो उसको इशारा कर सकता है और फिर वो जो कैमरे वाला है जाहिर है 3 में से 1 पैराशूट तो खुलना ही है ना. ऐसा तो नहीं होता. रिवर्स के सिनेरियो फिर वो आपका कैमरामैन जो है वो आपको पकड़ लेगा. हाँ. वो अपना पैराशूट खोल लेगा फिर आपकी वीडियो नहीं बनेगी. बाकी यानी कि 2% है भाई. क्या आपने मालियों वाले कपड़े पहने हुए हैं. तो यार उन्होंने हमें खुद ही कहा था कि यार लूज कपड़े पहन के आने हैं, ट्राउजर शर्टें वगैरह. वैसे भी तो अपनी नॉर्मल रूटीन में मालियों वाले ही कपड़े पहनते हो. भाई जुगत तो लगी है, लगी जुगत. मैंने स्काई डाइव वालों को कह देना कि तुम्हारा पैराशूट खोले ही ना आज के बाद अगर तुमने मुझे जुगत लगाई. हाँ स्काई डाइविंग करने लगे हम. आपके ख्याल में ये बेवकूफी है या अकलमंदी है. एंजॉयमेंट होगी. एंजॉयमेंट होगी भाई. हमें जो है ना कॉस्ट पड़ी है तकरीबन 2 लाख रुपए पर बंदा. कैसा लग रहा है 2 लाख रुपए. 2 लाख मुझे लाइफ टाइम हमने प्राइस भी नहीं देखी. चलो ठीक है महंगा बहुत ज्यादा लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं. अगर डकी भाई चैनल पे कभी भी
वीडियो अपलोड ना हुई तुम लोग प्लीज 6 मिलियन सब्सक्राइबर करवा देना यार है, ऊपर बैठ के दुआएं दूंगा सारों को है। तो फजर की नमाज पढ़ ली थी मैंने, नफले पढ़ लिए थे मैंने, मैं तो कहता हूँ रोजा भी रख लेता यार, हज भी कराते यार, कम अज कम हज तो कराते लिया बहुत बड़ा लोगों को मिलते हैं वहीं पे। यार ये कैसे लड़के हैं जिनको डर लग रहा है, और ये कैसी प्रो मैसेज एस्ट्रोलॉजी की बारी यार, वो कह रही है बस मुझको बस जंप करना है और मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। अभी ये इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि तुम वहाँ पे पहुंची नहीं हो, अच्छा जाओगी ना एनवायरमेंट देखोगी। इस वक्त रेडी हो रहे हैं, इन लोगों को देख के थोड़ा बहुत हो रहा है कि चलो ये भी लोग हैं और जिंदा होके आए हैं तो फिर हम भी बच जाएंगे। ओए होए ये देखो तुम लोग देखो सारी जैकेट वैकेट पहन रहे हैं स्काई डाइव की। तो अभी जो है ना हमें अपने पासपोर्ट जो है यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने लगे हैं, इन्होंने जो है ना हमसे डिटेल वगैरह मांगी है और ये तो एग्रीमेंट साइन करने के बाद हमारे इंजरी के कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये होने वाला है एग्रीइंग टू दिस डॉक्यूमेंट डाइविंग से पहले कुछ शुरू हो जाएंगे जो हमें साथ लेके जाएंगे। अभी हमें यहाँ से एक बस लेके जाएगी प्लेन में और प्लेन से फिर हम लोग टेक ऑफ करेंगे और फिर हम लोग की है जो जंप एट दिस टाइम। She's looking so warm up monkey. यार हम लोग बस जाने वाले हैं, बस एक बार जिंदगी में करना पड़ता है यार। ओके आई विल डू दैट अगर मुझे चांस मिला तो मैं जरूर। अबाउट टू गो Welcome to Sky Dubai. How are you? Thank you. I'm good. How are you? Very good. Thanks. Feeling excited? I'm so excited and nervous. First time you've been on the plane? Yes. Any celebration, something special or just for fun? Just for fun. For fun, that's good. Just for so fun. So you understood all the instructions? Yes. Yeah, I understood all them. All good? Yeah, all good. Anything to say before go up? Just remember me in your prayers if I die. That's good. Have fun seeing the sky. Dubai, how are you today? I'm good. Yeah, I'm good. How are you? First time you're going skydiving? First time skydiving, yeah. Any special reason why we're jumping today? I'm a YouTuber in Pakistan. Yeah. 5.2 million subscribers. Yeah. So yeah, just a good content for my audience. Yes. And I also wanted to do a skydive. Especially with my YouTuber. Wife right there. Good. Perfect. Yeah. All right, Saad, you met your instructor Shah, he gave you training, you understand what you have to do on the job? Yeah, I understood, yeah. Super. Any message for your fans and for my fans? यार मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर लाजमी करवा देना, ठीक है? Oh my god. हां उस कोड़े को समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन भाई लाजमी करवा देना सब्सक्राइबर भाई मेरे 6 मिलियन करवाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो दुआ करो। थैंक यू सो मच मैन, वी आर योर बिग फैन। थैंक यू। Very excited. This is your first time jumping? Yeah, it's my first time. And I'm really, really, really nervous now. Why are you jumping today? Because I just want to experience this, and for my audience, because I'm the biggest YouTuber in Pakistan, so I just want to share it with my audience. Thing you want to say to your friends before we go? I must say, you must try this adventure because it's so, so, so good. And after the experience, I will share it with you. Okay, buddy, you ready to jump? Let's go. One moment. लो जी गेट रेडी टू डाइव, एरोप्लेन तैयार हो गया। ले जी वो जा रहे जी जो हमारे यार कितना एक्साइटेड होगा जब इंसान मतलब कुछ करने के लिए एडवेंचर करने के लिए जाता है, और वो लोग जिनको ज़्यादा शौक होता है एडवेंचर करने का वो तो यार कितने एक्साइटेड होंगे। वैसे लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर किए हैं मैंने भी अपनी लाइफ में, व्लॉग्स कम ही बनाए थे, जब व्लॉग्स का पता चला तो फिर एडवेंचर करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी मुझे मौका मिला तो हम भी ऐसे करेंगे। अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा यार, लाइफ में सब कुछ करो, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं सबको पूरा करो यार। कितना व्यू प्यारा लग रहा है यार ऊपर से, तो मतलब आपको जब भी मौका मिले मौका वेस्ट नहीं करना ज़िंदगी का, फिर इंसान को कभी मौका मिले या मिले तो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ग्रीन सिग्नल होने वाला है और इनकी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। लो जी यार क्या बात है, ओह माय गॉड
such a crazy यार, crazy और scary. वो बंदा सही कह रहा था यार, बहुत जो scary है जब जंप लगाते हैं तो दिल एकदम से, जो नाजुक दिल वाले हैं वो तो कम से कम मेरा नहीं ख्याल कि वो बेचारे इतना फील कर पाएंगे कि उनको होश रहेगा कि नहीं रहेगा. सच अ ह्यूज और बिगेस्ट एडवेंचर है यार. और यहाँ पे मैंने सोचा फिर जब लोग प्लेन के वो जो पायलट बनने जाते हैं तो ये जंप लगाते हैं तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पे. तो वैसे जो लोग पास हो जाते हैं तो वो फिर पायलट भी बन जाते हैं. तो ये सबसे उनका लास्ट आई थिंक शो होता है, ट्रेनिंग सेशन. तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, क्या बात है, सच अमेजिंग है, सच एडवेंचर, मोस्ट एडवेंचर और सर ब्यूटीफुल सीन. वो देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, कमाल है यार. काश मैं जा सकता लेकिन जरूर जाऊंगा जब मेरे लग रहा है. पता नहीं क्या हो रहा है यार. क्या बात, यस यार, बप्पा हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने वो पूरा किया है जो मुझे लगता है कि यार बहुत से लोगों को डर लगता है, मुझे 1% भी डर नहीं लगा. मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, ये सब आप लोग को दिखाने के लिए कर रही हूं. ये बात लेकिन भाई करना चाहिए, मराज बनता यार. We are so too hard work for you. बहुत बोलते हैं कर जो. बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए. Are you ready? Okay, yeah. Here we go. Okay, three. Here we go. अब नीचे जाने लगे. One, two, go. ये तो बंदा जब इधर फील कर रहा होगा तभी इतने ऑन मैक गई. क्या? Oh my God! Is this like a menu plan? तो किधर थले लाते? याला इतना मजा आ रहा है यार. मुझे लग रहा था लोगों की शक्लें देख के बड़ा डरावना हो गया, बट मगर ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा. आई रियली लव इट यार. आई कैन स्टे हियर फॉर 2 आवर्स. ओके, फॉर 2 आवर्स, जस्ट ओनली 2 आवर्स. लव यू. आई अच्छा अरू, बहुत मुझे लग रही थी थोड़ी सी डरी हुई होगी ना, अभी देखें उसके फेस से लग रहा थोड़ा इतना बहुत ज़्यादा बहादुर लग रही है. माय गॉड यार, इतना कोई कमाल ड्रॉप, ओ तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता यार, ओ मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता यार. ये अल्फाज से मैं तुम लोगों को बता ही नहीं सकता कि मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्या मैंने फील किया जंप प्लेन से जंप मारने के दौरान. ओ भाई साहब, मैं एक वक्त के लिए मुझे भूल गया कि यार लो जी, अब इनकी लैंडिंग हो चुकी है, तीनों की लैंडिंग हो चुकी है. सबसे पहले इकरा की लैंडिंग हुई है, देखने के इन्होंने क्या कुछ अपने रिमार्क्स दिए. So beautiful experience. You must try if you are looking at me. I enjoyed a lot. What? What was the best lag rahi hai? Sorry. The best part of it all. Best part was that when I just jumped. Oh my God! It was best part. And when he spins me around all over the thing. Good fun, huh? बहुत मजा आया मेरे को, इतना मजा आया मैं जिंदगी में नहीं बता सकती. मैं अपनी भाषा पे बता रही हूँ भाई, मेरे को इतना मजा आया, इतना मजा आया. और मैं ये दोबारा करना चाहूंगी. कौन कहता है एक बार कर लो तो दोबारा नहीं करना चाहिए, कि जब मौका मिले तब करना चाहिए. It's an experience. It was great. Nice. Mainne pehle kaha tha na ki aur ka jo zara oh yeah, thoda sa hard, that was amazing. I can't believe it. Oh my God yaar, itna maza aaya, ye crazy experience tha, maza aa gaya yaar. और हमारे साथ जो है ये शाह भाई हैं, इन्होंने क्या लेवल की जो है ना प्रोफेशनल डाइविंग, मजा आया यार. थैंक यू सो मच, और अब मुझे इतना मजा आ रहा है. भाई ऐसे ग्रिजली ने भी लिया कि नहीं? आपने कहा, शी सेड दैट व्हाई यू आर नॉट स्केयर्ड, व्हाई यू आर नॉट स्केयर्ड. एग्जैक्टली, हां, वी आर पाकिस्तानी, वी आर फ्रॉम मैक्स, क्या बात, वी डोंट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, वी आर पंजाबी, वी आर पंजाबी, दिस इज आवर, दिस इज इन आवर ब्लड, वी डोंट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, ओनली अल्लाह, बट ओनली अल्लाह. सो यार, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
इस बंदे का यार वो व्लॉग इसलिए नहीं ऐड कर सका क्योंकि बहुत ज्यादा क्लिप हो गए थे, तो नेक्स्ट टाइम इस बंदे का ऐड करूंगा। फिर चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए, जितना मैं डरा था सबसे पहले मुझे फेंका इन लोगों ने यार, मुझे नहीं, मैं सबसे लास्ट पे थी, लेकिन वो मजा आया यार। चुका है, देखें जो सबसे मजे की चीज मुझे ये लगी। तो मैं अब खाऊंगी खाना शाना और फिर हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गई हूँ और अब फील हो रहा है कि थकावट हो रही है। इतना बड़ा मुश्किल काम करने के बाद अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा और अगर आप लोगों ने भी इस तरह की चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या आपको लगता है किसी को डर लगता है, प्लीज कॉमेंट में बताए। ठीक है, बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय। नाउ वी get feedback from Arup Jitoi. meri begum zinda hai, tumhe to dukh hoga. hey yaar, bahut acha tha, maza aaya yaar. na thinka hai na, I can't express. subah sui thi ke bata nahi sakte na, maza aa gaya. dil kara main dobara kaun kasam se, Dilfuza, how was it? one and last time. itna dar lagta hai aapko? I swear main beech mein gayi thi, main bas gayi, allah ko pyari ho gayi. beech mein maine bhi socha tha ke acha भाई ऐसे आपके अंदर जो है ना एक क्या मजा आ गया, मजा आ गया इनको करके, इतना मजा मुझे देख के बहुत मजा आया यार। ये वापस बैक टू माय गॉड, हम लोग वापस आ गए हैं। व्हाट अ गुड experience that was, मतलब crazy. So guys, thank you so much for watching this video. Make sure you guys subscribe, like, और बहुत सारा ख्याल रखो अपना, दुआओं में याद रखो। मिलते हैं कल ओ काफिर। So guys, thank you so much for watching my video, और thank you so much इन्होंने इतनी अच्छी video दी है, और I really happy to see these like videos, मतलब adventure type की video, I'm so happy. मैं सच में ये कहूँगा कि इनको इतना मज़ा आया करने में और मुझे इतना मज़ा आया देखने में, और सच अ ग्रेट ह्यूज एडवेंचर इन माई लाइफ एवर सीन। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स की देखी होंगी वीडियो, लेकिन इस तरह की वीडियो मैंने सच में पहली दफ़ा देखी है, क्योंकि मुझे चांस कई दफ़ा मिला था कि मुझे कुछ डाइविंग या कुछ कहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने वो अपना चार ज़िंदगी में खोया। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा, और क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में मौका एक दफ़ा ही मिलता है, और अगर वो एक दफ़ा छूट जाए तो दोबारा कभी मौका नहीं मिलता, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। इंशाल्लाह अगर कभी मुझे फिर दोबारा मौका मिलेगा तो आई विल डू दैट, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। और ये सच अ ग्रेट अमेजिंग और बहुत ही मतलब मज़े की स्काई डाइविंग है, चाहे वो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, बेसिकली इसके लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और वो थोड़ा सा डरी हुई थी, चेहरे से लग रहा था, डकी और इकरा और अरीब भी मुझे लग रहा था थोड़ा सा डरा हुआ है, तो मतलब मैंने बड़े दिल वालों को ये करनी चाहिए यार, बहुत ही ज़बरदस्त है ये चीज़। लेकिन एकदम बंदे को पता चल जाता है कि अब इंसान क्या कुछ कर सकता है, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वो कर लेते हैं, तो उनको पता होता है कि कितने दिल का मालिक है और कितने हौसले का मालिक है, और बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी। और इनका व्लॉग है, इन तीनों का व्लॉग जो मैंने मर्ज किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और जो अपडेट्स आपको मिले जल्दी से वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरे वीडियो को देखा करो, और कमेंट सेक्शन भी ज़रूर बताना आपका फीडबैक, आपकी थॉट्स। आई नीड योर सपोर्ट, योर लव, योर कोऑपरेशन, सो हमेशा याद रखिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं अगले रिएक्शन में, किसी की अगले व्लॉग में, या इनके डक्की के या किसी और के। अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किन का व्लॉग अच्छा लगता है। आई विल डू माई रिएक्शन ऑन योर रिक्वेस्ट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।